सब्सक्राइब करिए हिंदी वर्ल्ड चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ल्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप डिजी पे का यूज कर रहे हैं और डिजी पे से पैसे की निकासी और पैसे को जमा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पैसे को जमा करने के लिए और पैसे की निकासी करने के लिए आपको किस जमा निकासी स्लिप का यूज करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप पैसे निकालने के लिए और पैसे जमा करने के लिए इसका सारा ब्यौरा अपने पास रखने के लिए आप विड्रॉल फॉर्म और डिपॉजिट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। वो कौन से फॉर्म है और आपको कहां से डाउनलोड करने हैं, उसकी जानकारी भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जब भी आप अपने डीजी पे से किसी भी पैसे को जमा करें या किसी भी पैसे की आप निकासी करें, तो उसके लिए आपको एक स्लिप भरवाना जरूरी है, एक फॉर्म भरवाना जरूरी है। दोस्तों इससे होगा क्या कि जब भी आप किसी व्यक्ति का पैसे निकालते हैं या फिर पैसे को जमा करते हैं, तो अगर आप यहां से उससे विड्रॉल स्लिप भरवा लेते हैं या फिर डिपॉजिट स्लिप भरवा लेते हैं, तो आपको भविष्य में कोई भी समस्या नहीं होगी और आप वो सारा डाटा अपने पास मेंटेन करके अपने पास कहीं एक जगह रख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी सीएससी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और सीएससी ने अभी कोई ऐसी स्लिप नहीं दी है जिससे कि आप इसका यूज यहां पे कर सके। लेकिन अगर आप अपनी सहूलियत के लिए और इसका यूज करना चाहते हैं जिससे कि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो, भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपने किसी व्यक्ति का कितना पैसा निकाला है या फिर कितना पैसा जमा किया है, तो आप इसके लिए जो है उस स्लिप का यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको इस स्लिप को डाउनलोड करने के लिए, उस पर्ची को देखने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे जिसका नाम है csc digital सेवा केंद्र.in। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इस जो है पोस्ट पे आ सकते हैं, इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है एक पोस्ट मिल जाएगी CSC डीजी पे कैश डिपॉजिट और जो है कैश विड्रॉल के लिए जो है यहाँ पे एक स्लिप दी गई है। तो आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह पोस्ट ओपन हो जाती है। तो देखिए, पोस्ट को ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको समझाया गया है कि क्या इस जो है स्लिप का यूज है और इस स्लिप का यूज कैसे करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक दिया गया है CSC डीजी पे कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्लिप प्रिंट, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक स्लिप मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको इस स्लिप को भरवाना है। ये जो है विड्रॉल स्लिप है और आपको नीचे ही वहीं पे जो है आपको एक डिपॉजिट स्लिप भी मिल जाएगी। तो आपको निकालने के लिए और जमा करने के लिए इन्हीं स्लिप का प्रयोग करना है। तो इस स्लिप में आप कस्टमर से सारी इन्फॉर्मेशन भरवा सकते हैं और भरवाने के बाद जो है इस स्लिप को लेके जो है उसको पैसे दे सकते हैं। सो दोस्तों, इससे आपको पैसे को निकालने में और जमा करने में और इसके जो है अपने पास सारा जो है ब्यौरा आपके पास रखने में जो है आपको कोई समस्या नहीं होगी और बड़ी ही आसानी से आप जो है सारे खाते का विवरण या फिर किसी भी आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन या फिर कब आपने कितने पैसे किसको निकाले थे, वो सारी जानकारी अपने पास रख सकते हैं। इससे भविष्य में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों, इस पर्ची का आप थोड़ा सा जो है स्लिप चार्ज चार्ज जो भी आप लेना चाहें तो वो कस्टमर से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है सीएससी ने बिल्कुल नहीं कहा है। ये आप जो है अपने अनुसार इस स्लिप का जो है चार्ज कस्टमर से ले सकते हैं और उन्हें ये स्लिप जो है दे सकते हैं, जिससे कस्टमर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे हिंदी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।